कि जो हर जुल्म से टकराए मैं वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। अगर देश सुरक्षित होता तो देश की संपत्ति न बिकती, अगर देश सुरक्षित होता तो देश की बहन बेटियां नोची न जाती। जिधर गर्दन घुमाओगे ना, जैसे प्रधानमंत्री का पोस्टर नहीं लगा रहता, मोदी इधर घूमो, मोदी चैनल वाले मोदी इधर देखो, मोदी आईटी सेल वालों ने आपको कितना दिया है, मोदी जी ने आपको कितना दिया है, अमित शाह जी ने आपको कितना दिया है। भारत की संपत्ति बेच भी रहे हैं, विदेशी कर्ज भी बढ़ रहा है, ये पैसा कहाँ जाता है कोई पूछेगा मोदी जी से? बिल्कुल होनी चाहिए, जातीय जनगणना होनी चाहिए। पेट में दर्द हो रहा है पर लोगों के? मेरे पेट में कोई दर्द नहीं हो रहा, होना चाहिए भाई। पता लगना चाहिए कि ओबीसी वाले कितने हैं, एससी वाले कितने हैं, एसटी वाले कितने हैं, जर्नल वाले कितने होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। उससे मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? जिसको दिक्कत हो उनसे पूछिए कि हाँ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, मुझे हिसाब से। तो भाई उनको मैं क्या कहना चाहता हूँ, उनको दिक्कत है उनको होने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि हर राज्य में होनी चाहिए, बिहार में ही नहीं 29 के 29 राज्यों में होनी चाहिए। जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा इससे? कौन से जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा बताओ? इसी से, जातीय जनगणना से। कौन से जातिवाद को मिलेगा बढ़ावा ये तो बताओ भैया। अरे जाति को कैसे कैसे मिलेगा बताओ? प्रज्ञा मिश्रा कह रही है कल देखिए। अच्छा आप लोग सिर्फ उन्हीं की बात यार सुन के आते हो, वास्तविक मुद्दों की बात नहीं करते हो। होनी चाहिए वो अच्छी बात, मुद्दा नहीं है जातीय जनगणना, होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं होनी चाहिए, बिल्कुल जातीय जनगणना होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं 29 राज्यों में, हम ये नहीं कह रहे बिहार में, हम तो कह रहे हैं 29 राज्यों में होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल आ गया उसके खिलाफ है, नहीं करने भैया। देखो कुछ लोगों का जो काम है वो तो करेंगे, उपद्रव करने वाले तो उपद्रव करते रहेंगे। जी गए हैं वो भी पीएल डालने, देखिए कोई बात नहीं, जाने दो, हम तो नहीं गए ना। मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही भाई, सनातनियों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सच्चा सनातनी कौन? सच्चा सनातनी कौन? जो राष्ट्र हित की बात करता है वही सच्चा सनातनी है। मोदी जी? दलाल पत्रकार हो आप लोग, मोदी जी के पढ़ाए हुए पहाड़ों को आप लोग याद करते हो, महंगाई बेरोजगारी पे बात नहीं करते हो। महंगाई बेरोजगारी पे आप लोग क्यों बात नहीं करते हो बताओ? मोदी जी ने कहा था भाइयों बहनों मित्रों, महंगाई नहीं है, नहीं है भैया। हमें 18 वाला आटा दिलवा दो, हमें आपका 36 वाला आटा नहीं चाहिए। हमें हमारे पुराने दिन लौटा दो, हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए। हमें हमारे वही अंश जो था ना वही कर दो, बेचने वाला नहीं चाहिए। बिल्कुल लाएंगे, कांग्रेस अच्छे दिन लाई थी ना। राहुल गांधी तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? वो कह रहे राहुल गांधी मार दिया मैंने। राहुल गांधी मार दिया? किसने मार दिया भैया? राहुल गांधी खुद ही कह रहे मैंने मार दिया राहुल। मतलब उस, मैं बता रहा हूँ, उन्होंने जो कहा है राहुल गांधी के जो अंदर बैठा हुआ राहुल गांधी था उसको मार दिया है, दूसरे राहुल गांधी ने, नए राहुल गांधी ने जन्म लिया है। जैसे मोदी जी कहते हैं नया भारत बना रहे हैं, भाइयों बहनों नया भारत बना है, कुछ नहीं बना, बेच दिया भारत, पैदा करूंगा नया गांधी बनाऊंगा। और भाई मैं क्या कहता हूँ कि जो हर जुल्म से टकराए मैं वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। कांग्रेस से तो टकरा नहीं पा रहे आपस में ये सारे। कांग्रेस से भैया मुझे कांग्रेस से कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं टकराऊंगा। मेरे गुरु का शोषण हो रहा है, मैं इसलिए प्रधानमंत्री जी का विरोध कर रहा हूँ। कौन से गुरु आपके? मोदी जी, क्योंकि मोदी जी को जबरदस्ती कुछ लोग 18-19 घंटे काम करवाते हैं। संविधान कहता है 9-10 घंटे जो काम करता है उसके साथ शोषण हो रहा है। अगर मेरे नहीं, वो खुद कर रहे हैं भाई, वो खुद कर रहे हैं। कौन सा शोषण हो रहा है बताओ भाई? तो यार सामने आ जाओ, सेवा में लगे हैं मोदी जी, उसमें भी तकलीफ। सेवा में नहीं लगे, उनका शोषण हो रहा है भैया, उनका शोषण हो रहा है। उनसे कौन कर रहा है मोदी जी का? कौन कर रहा है उनका शोषण? उनका शोषण भैया भाजपा के कुछ लोग कर रहे हैं, आप जैसे पत्रकार लोग कर रहे हैं जो 24 घंटे उनके मुंह में माइक घुसे रहते हो। बिल्कुल बिल्कुल दलाली करती है मीडिया। मैं तो कहता हूँ नफरती चैनलों को जो हिंदू मुसलमान करता है, जातिवाद करता है, महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा भटकाता है, ऐसे चैनलों का तो बहिष्कार कर दे। देश सुरक्षित हाथों में, वो आपको नहीं दिख रहा है, आपको महंगाई दिख रहा है। देश सुरक्षित है? हाँ देश सुरक्षित है। अगर देश सुरक्षित होता तो देश की संपत्ति न बिकती, अगर देश सुरक्षित होता तो देश की बहन बेटियां नोची न जाती, अगर देश सुरक्षित होता तो देश के युवा आज पीटे न जाते, अगर देश सुरक्षित होता तो अन्नदाता किसान के ऊपर गृह मंत्री जी के लोंडे गाड़ी न चलाते। भैया मैं अमित शाह के लड़के को नहीं कह रहा हूँ, मैं अमित शाह के लड़के गृह राज्य मंत्री। अरे तो वही तो हम गृह मंत्री है ना, गृह राज्य तो वही तो भैया डेनियल कौन है वही है ना। हम क्या कह रहे हैं? हम गृह मंत्री जी को जो हमारे गुरु जी, हम उनको नहीं कह रहे हैं। अब बताओ देश सुरक्षित है?
देश क्यों क्यों मैं क्यों डरूंगा भाई, मैंने कौन सा अपराध कर दिया, मैंने कौन सा अपराध कर दिया मुझे पंडित जी, चाहे सरकार बीजेपी की हो कांग्रेस की हो, दोनों तरफ रसगुल्ले हैं आपके। अच्छा अब आपको, अच्छा आप लोग इसलिए दलाली में लगे हो कि भारतीय जनता पार्टी वाले ही आपको रसगुल्ला देते हैं, कांग्रेसी भी देते हैं, बहुत बढ़िया भैया, तब तो लग जाओ। क्या चीज़ मुझे भैया, मैं क्या कह रहा हूँ कि हमें हमारे पुराने दिन लौटा दो, हमारा नुकसान हो रहा है। हम 18 वाला आटा खरीदते थे, आज 36 में खरीद रहे हैं, हमारा नुकसान नहीं है। हम 400 में सिलेंडर खरीदते थे, आज 1100 का खरीद रहे हैं, नुकसान नहीं है। अरे सुनो, अच्छा भैया, हम भारत में रहते हैं, भारत की खाते हैं, और आप जैसे पत्रकार काहे पाकिस्तान की गुड़गाते हैं। हमें पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, हमें अपने भारत से मतलब है। पंडित जी अगर महंगाई होती तो पठान पे विरोध करते कि महंगाई भी ये लोग विरोध करते। भैया देखो, इसलिए वो नफरती चिंटू हैं, भारतीय जनता पार्टी के भेजे हुए दलाल हैं, उनको हिंदू मुस्लिम करना है। मोदी जी ने कभी कहा है कि पठान मत देखने जाइए? मोदी जी ने कहा है किसी को? बताइए, मोदी जी तो कहते हैं भाइयों बहनों मित्रों, मैं पठान का बच्चा हूँ, सच्चा बोलता हूँ, तो विरोध कर रहे हैं ना, करता हूँ। अब तो पठान ब्रुज खलीफा पे पहुँच गई है, बिल्कुल जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये सूरज भगवान ना, सूर्यनारायण भगवान, ये भी दिखाएंगे चारों तरफ, जिधर गर्दन घुमाओगे ना, जैसे प्रधानमंत्री का पोस्टर नहीं लगा रहता, मोदी इधर घूमो, मोदी चैनल वाले मोदी इधर देखो मोदी, वैसे ही जितने चैनल वाले हैं ना। तो आपको जलन हो रहा है कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया गरीब घर का? अच्छा, आपको जलन होता है? गरीब है वो, गरीब है, जो गरीब होता, जो गरीब होता वो 10 लाख का सूट और 5 लाख का बूट पहनता। सुनो, अच्छा एक मिनट, अभी एक मिनट रुक जाओ, आ रहे हैं तुम्हारे पास। आप बताओ कि प्रधानमंत्री जो पहनते हैं, 300 रुपए की टी शर्ट होती है वो, 300 की होती है, कहते हम तपस्वी हैं। अब जो तपस्वी होगा जैकेट और जर्सी पहन के घूमेगा, बताइए तपस्वी हैं इनमें भैया? ये भारतीय जनता पार्टी गरीबों को गरीब करेगी, अमीरों को अमीर करेगी? कौन से पुजारी का अपमान किया बताइए? मैं तो भाई, मैं तो कहता हूँ सुनो, पुजारियों को, जिन पुजारियों का अपमान किया है बोलने दोगे? बताऊं भैया, यहाँ पे जितने भी पत्रकार खड़े हैं, आप कोई बता दो, राम रहीम जैसा साधु पुजारी चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आसाराम जैसा चाहिए? बोलिए, आसाराम जैसा चाहिए? नहीं चाहिए। चिम्मियानंद स्वामी जैसा चाहिए? नहीं चाहिए। अब ऐसे साधु संतों का हम फूल माला लेके आरती करेंगे, भारतीय जनता पार्टी वालों की तरह माला पहनाएंगे? मीडिया को कोस रहे हो, मीडिया अगर खराब होती, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है मीडिया में, फिर भी कोई असर नहीं है? अगर गलत होती मीडिया तो होता ना सर? अरे भैया, जो नफरती चिंटू हैं, जो हमेशा हिंदू मुसलमान, नाम बताओ, आप जैसे दलाल पत्रकार जो हिंदू मुसलमान करते हो, सबके सब, जितने भी यहाँ पे चैनल वाले खड़े हो, टीवी शो वाले हैं, जितने भी हैं, टीवी चैनल है, नाम बताओ, उनके नाम बताओ, जितने भी, मैं क्या, जितने अंबानी और अडानी ने जितने भी चैनल को खरीद रखा है, सबके सब, सबके सब हिंदू और मुसलमान रात और दिन पत्रकार है नेशनल मीडिया का, बताओ नाम है, कौन लो, नाम लो, उसको देख लो, सच्ची है सारे वो, पंडित जी, पंडित जी हो, बहिष्कार कर दिया जाएगा। अच्छा, आपको तो बहिष्कार नहीं हुआ? 99% तो पंडित जी है मीडिया में। अच्छा, पंडित जी हैं? अच्छा, आपने वहाँ का आंकड़ा निकाला है? हम बताएं एक अपना नाम, एक नाम बताइए जो पंडित जी नहीं है, नाम बताइए। अच्छा, पंडित जी नहीं है उनका नाम? भैया देखो, जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करेगा उसे सुप्रीम कोर्ट ने, सुनो, डरते हो? अच्छा, तो डरते हो नाम लेने? अच्छा भैया देखो, जो उद्योगपति हैं उनका नाम लेने में नहीं डरे, तो इन दलालों का नाम लेने से हम डरेंगे? भैया देखो, सुधीर को देख लो, रजत को देख लो, रजत शर्मा बोलो ना पूरा, भैया हम बता रहे हैं ना, अब आप समझदार पत्रकार हो, समझ, अनपढ़ तो हो नहीं, जब अनपढ़ हो तो कैमरा छोड़ो, जाओ यहाँ से, पूरा नाम लो ना। अच्छा, जब बहुत इधर आओ, हमारे साथ खड़े हो, लो बोलो, चिम्मियानंद स्वामी मुर्दाबाद बोलो, बोलो, हिम्मत है तो, अरे कौन थे वो? बोलो, बलात्कारी है, 10-10 बलात्कार करता है, बलात्कार करता है, बोलो बोलो, मनोज बोलो, मनोज मित्तल मुर्दाबाद बोलो, हिम्मत है तो बोलो, बोलो, आसाराम राम रहीम मुर्दाबाद बोलो, हिम्मत है तो बोलो, बहुत बड़े भगत, अरे बीजेपी के दलाल
आईटी सेल के दलाल, आईटी सेल के दलाल तुम लोगों को भारतीय जनता पार्टी भाई मैं नहीं कर, मैंने क्या कहा? अच्छा एक चीज, मैं किसी भाई महंगाई बेरोजगारी का अगर मैं मुद्दा उठाता हूँ तो आप जैसे पत्रकार कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, मंदिर मांगा आपको मंदिर मिल गया, अब आप रोजगार भी चाहिए आपको? भाई बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। मंदिर नहीं मिला आपको? भाई कौन सा मंदिर? 1 जनवरी को उद्घाटन है, 24 तारीख को। अच्छी बात है, बिल्कुल मंदिर, भाई मंदिर का तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन रोजगार चाहिए, 135 करोड़ जनसंख्या को रोजगार। अच्छा, मंदिर भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, दोनों चाहिए। अच्छा सूखी रोटी दे दें, सूखी रोटी दे दें, चबाओगे कुकरों की तरह? भैया जो मैं क्या कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी रोटी फेंकती है और कुछ लोग इतना बौखलिया गए हैं कि उसको नोचने का काम करते हैं। हम तो कहते हैं कि समझदार बनो, रोटी के साथ सब्जी भी लो। मंदिर को राम मंदिर को विकास में नहीं गिनेंगे आप? कौन सा विकास? वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मोदी जी का 5 विकास गिनवाइए आप। अब तक क्यों नहीं आया? शाहरुख खान का समर्थन क्यों कर रहे? छोड़ो मोदी को कर रहे। 5 विकास मोदी का बताओ, शाहरुख खान से कोई मतलब नहीं। देश की सुनो, देश की समस्या महंगाई और बेरोजगारी है, शाहरुख खान नहीं। शाहरुख खान तो अपना झोला खानगंज छोड़ दिए क्या आप? खानगंज छोड़ दिए क्या? अच्छा हम खानगंज में थे, हम तो सनातनी गैंग में थे, हैं और रहेंगे, हमें आन खान गैंग से कोई मतलब। शाहरुख खान का पक्ष तो ले रहे थे आप। भाई बिल्कुल, शाहरुख खान सही है तो जिंदाबाद, गलत है तो मुर्दाबाद। हम तो कहते हैं भाई देखो, आप 5 काम कोई पत्रकार गिनवाए मोदी वाला जो गरीबों के लिए किया हो। किसको? विदेशों में डंका बज रहा, बिना काम के डंका बज रहा है, उससे गरीबों का क्या विकास हुआ? ट्रेन अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन। अच्छा 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था हो गई तैयार? नहीं हुई। सौ स्मार्ट सिटी, कौन सा रोजगार? 100 स्मार्ट सिटी बन गई, गिनवाइए भैया। वाराणसी राशन मिल रहा है ना? कानपुर, लखनऊ, पटना, इलाहाबाद। हम तो भैया कह रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश की लिस्ट उठा लो और 70 जिला तो उसी में है, उसको ही सिटी बना दो। सुनो राशन और गंगा में क्रूज ब्रह्मपुत्र तक जा रही है। बोझा की तरफ कुछ लोग राशन उठा रहे हैं, आज भाषण में राशन। भैया राशन देश की सबसे बड़ी घिनौनी राजनीति है, राशन नहीं देना चाहिए। राशन ये कह रहे ना हम दे रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, मोदी जी भारतीय जनता कार्यालय में खेती करते हैं, राशन कहाँ से आता है? मोदी जी को आप लोगों ने कभी देखा हल चलाते हुए, ट्रैक्टर चलाते हुए, बीज बोते हुए? अमित शाह किसान के बेटे हैं, मोदी जी नहीं है। मोदी जी अमित शाह हैं, अमित शाह खेत भैया फसल उगाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अन्नदाताओं का मजाक उड़ाने का काम करते हैं। 5 काम मोदी जी ने कहा था, 5 काम गिनवाओ भाई गरीब वाले, है किसी में हिम्मत गिनवाने की? किसी में नहीं। आप लोग सिर्फ आप शांत हो जाओ, सारे शांत हो जाए। दलाल पत्रकार सबसे बड़ा दलाल है, गिनवाए गए, गिनवाइयो भाई। बाथरूम बनवाया, बाथरूम। अच्छा कोई पूरा देश बना के ढिंढोरा नहीं पीटा, एक प्रधानमंत्री आज जो शौचालय बना के ढिंढोरा पीट रहा है। दूसरा काम बताओ, वैक्सीन लगवाए, रुक जाओ, क्या जनधन योजना? अच्छा उन्होंने कहा भाइयों बहनों मित्रों जनधन खाता खुलवाइए, 15-15 लाख आएंगे, 500 रुपए जमा करो, पता नहीं कितने करोड़ का अपने उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया। तीसरा काम गिनवाओ, भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा बढ़ गया है। उज्ज्वला योजना के 30% भी सिलेंडर नहीं भरवाए जाते, ऐसा केंद्र की रिपोर्ट आती है। हाँ पाकिस्तान को पीछे धकेल दिया, मेरा क्या फायदा हुआ पाकिस्तान को ढकेलने के बाद? गरीबों का फायदा गिनवाओ, मुझे उससे मतलब नहीं है। किसान गरीब का बेटा पीएम बन गया तो आपको दर्द हो रहा है? अच्छा कौन? अच्छा गरीब का बेटा बना है, गरीब का बेटा। भैया गरीब का बेटा और गरीब हो गया, गरीब का बेटा और गरीब हो गया। चाइना की हिम्मत नहीं हो रही है। गरीबों का काम गिनो, चाटुकारिता मत करो कि चीन कांप रहा है, पाकिस्तान कांप रहा है। वो मोदी जी की उसमें वो नहीं है, वो हमारे सेनाओं से कांपता है। अगर पाकिस्तान या चीन कांपता है तो हमारी सेनाओं से कांपता है, मोदी से कांपता है। 24 में रामराज फिर से आएगा, वापसी की नहीं आएगा रामराज 24 में? फिर काजू भुने प्लेट में बिक्सी ग्लास में उतरा है रामराज मित्तल निवास में। भैया रामराज आ जाएगा ना? कौन है मनोज मित्तल को नहीं जानते हो? अच्छा नहीं जानोगे आप भैया? कश्मीर फाइल हिट करवाई बोल रहे हैं, वो देखो किसने फिट करवाया, बीजेपी वाले। हाँ तो हम क्या कह रहे हैं, पठान भी बीजेपी वाले हिट करवा देंगे। हम तो कह रहे हैं कि पठान को टैक्स फ्री कर दो, टैक्स फ्री। अरे बताइए राम राज में आपको आनंद नहीं आ रहा? मतलब आनंद आना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, राम राज कब आएगा?
जब सबको समान रूप से देखा जाएगा। पीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं क्या? भाई मैं क्या कह रहा हूँ कि देश की 135 करोड़ जनसंख्या पीएम बनने के लायक है भाई। मैं तो क्या कह रहा हूँ, आप लोग भी हो, दलाली छोड़ दो पत्रकार बन जाओगे। प्रधानमंत्री की ताकत है कि देश का जो फिल्म बना रहे हैं उसका बुर्ज खलीफा में ट्रेलर चल रहा है, प्रधानमंत्री की ताकत है ना। अच्छा, दुबई का प्रधानमंत्री कौन है? दुबई की थोड़ी कर रहा हूँ, इंडिया की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, भारत में भी बुर्ज खलीफा बन गया? अरे महाराज हमें ले चलो दिखाओ उस बुर्ज खलीफा। अरे मुझे ले चल के भारत वाला बुर्ज खलीफा दिखाओ, वरना ये माइक और अब कैमरा बंद करो। मुझे मोदी जी का डंका नहीं, पहले मुझे बुर्ज खलीफा दिखाओ, भारत वाला बुर्ज खलीफा दिखाओ। शाहरुख खान की ट्रेलर रिलीज हुआ है। अरे भैया दुबई में तो उसकी पहले से इज्जत है, दुबई में तो उसकी बहुत इज्जत है, भारत में कहाँ इज्जत है? भारत में अच्छा जिसके बताओ, भारत का है वो, और विदेशों में जिसकी इज्जत है उसकी भारत में इज्जत नहीं होगी। पार्लियामेंट बन गया, पार्लियामेंट बन गया कहाँ पे? बुर्ज खलीफा पर पठान का ट्रेलर चलेगा क्या? मोदी जी का भी फोटो लगना चाहिए उस पर। मोदी जी का क्यों लगना चाहिए? अच्छा भाई देखो, जब उसका जन्मदिन होता है शाहरुख खान का, तब भी उसका लगता है 7 सेकंड का, वहाँ पे 10 लाख से ऊपर का चार्ज है 7 सेकंड। मैं तो कहता हूँ भाई, मेरे कोई फैन नहीं है, हमारा सनातन फैन है। हम हिंदुत्व की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं। हमारा फैन है गरीब, हमारा फैन है बेरोजगार, हमारा फैन है किसान। अरे भगवा पहन के आप बात कर रहे हैं, भगवा का जब अपमान होता है तब तो आप शाहरुख खान के साथ खड़े थे। कितने बड़े दलाल पत्रकार हो आप लोगों। भगवा है वो ऑरेंज है, भगवा ये है, भगवा ये है, भगवा वो है, भगवा आग है। मतलब शाहरुख खान को बचा रहे हैं आप? वो भगवा नहीं, वो ऑरेंज कलर है। मैं कहता हूँ भाई वो ऑरेंज कलर है, आप लोग उसे भगवा की संज्ञा मत दो। अगर आप भगवा का अपमान करोगे ना तो ठीक नहीं होगा आपकी जान। अच्छा आईटी सेल वालों ने आपको कितना पैसा दिया यहाँ आने के लिए? आईटी सेल वालों ने आपको कितना दिया है? मोदी जी ने आपको कितना दिया है? अमित शाह जी ने आपको कितना दिया है? क्या लग रहा है कितना दिया होगा आपको आइडिया को? आइडिया लेकर आप लोग आते हो, आइडिया हम बताएंगे? हम तो कहते हैं हमें किसी ने नहीं दिया, हमें किसी ने नहीं दिया। और आप लोग भारत माता की कसम खा के बताओ कि भारतीय जनता पार्टी की दलाली करते हो या नहीं करते? अरे हिंदू संगठन कह रहा फिल्म लगने नहीं देंगे, पहले हम देखेंगे फिर तय करेंगे लगेगा कि नहीं। अच्छा मोर्चा क्या लेना? मैं जाऊंगा 25 तारीख को देखने, देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। लगेगा तब ना देखिएगा। अच्छा, लगेगा ही नहीं। अच्छा अमित शाह का मजाक उड़ा रहे हो आप लोग? अमित शाह का जो जो पत्रकार मजाक उड़ा रहा है ना, सबका चैनल देख रहे हैं, याद रखना। आज तो आ गए क्यों? प्रशासन किसके हाथ में है? अमित शाह जी के हाथ में है। भाई मैं तो कहता हूँ कि थिएटर के बाहर में उनका प्रशासन रहेगा, और जिसने भी उपद्रव का काम किया ना, वही गोला में भेज देंगे जुई गोला से वो आया है। भैया हमें अपने प्रशासन पे, अपने अमित शाह जी पे विश्वास है, वो कुछ गड़बड़ नहीं होने। विरोध होगा क्योंकि वहाँ ट्रेलर चल रहा है। कहाँ पे? बुर्ज खलीफा पे। क्यों विरोध होगा वहाँ पे? विरोध हुआ? कुछ नहीं विरोध हो रहा, कहीं विरोध नहीं हो रहा। यहाँ पे नफरती चिंटू विरोध कर रहे हैं बस, और कोई विरोध नहीं कर रहा। सोशल मीडिया पे गाली दे रहे हैं, गाली देने तो भैया मैं क्या कह रहा हूँ। देश का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी। देश का गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। देश का रक्षा मंत्री कौन है? कौन है? राजनाथ। आपको अनुराग खान बताया जा रहा है, अनुराग खान। मैं क्या कह रहा हूँ भैया, देश के जब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सबको गाली दे दिए जाती है, मैं तो गरीबों का, बेरोजगारों का, जो महिलाओं अत्याचार हो रहा है उनकी आवाज उठा रहा हूँ। मुझे गाली कोई दे रहा है? मुझे कोई इमरान है? आप कौन है? मैं तो सनातनी हूँ। खान लोग लिख रहे हैं आपको, राम राम का सर। बीजेपी भी तो डरते हैं क्या? 70 साल पुरानी पार्टी है। नहीं मैं नहीं मानता कि ये बीजेपी की है, हम नहीं मानते। राम सबके हैं, राम है केवल प्रेम प्यारा, राम सबके हैं। राम को कौन लाया? राम को कौन लाया? राम को दशरथ जी लाए। राम को कौशल्या माँ लेके आई। राम मंदिर कौन लाया? राम मंदिर कौन लाया? राम मंदिर तो भैया वहाँ से शुरू से था। मतलब मोदी जी का कोई रोल नहीं? कोई रोल नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है राम मंदिर। आप लोग मानते हैं? अरे भैया बोलने को, मैं भैया जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। और ये वक्त वक्त की बात है, वक्त सबका आता है। जो अनुराग खान लिख रहे हैं ना, वो ऐसा एक दिन आएगा कि वही कह रहे भैया आपने सही कहा था, महंगाई बेरोजगारी है। एक हमें बीजेपी के प्रवक्ता मिले थे, नाम नहीं बताएंगे, नहीं उनको बेचारे को सस्पेंड कर दिया जाएगा। वो कह रहे थे कि हमारी मजबूरी है अनुराग, महंगाई बेरोजगारी तो वाकई में है। हनुमान मंदिर पे मिलेंगे, प्रधानमंत्री बना दे जाए, कैसे बेरोजगार महंगाई कम करोगे बताओ? कैसे करेंगे? जैसे राशन बांट रहे हैं ठीक उससे दुगना हम रोजगार बांटेंगे। कैसे बांटोगे? कैसे राशन कैसे बांटा जा रहा है भाई बताओ? राशन कैसे बांटा जा रहा है बताओ? राशन बांटा जा रहा है सरकार खर्चे पे। अच्छा कर्ज ले लेके सरकार में
हाथ टूट गया। अच्छा देखो 67 साल में भैया कांग्रेस 67 साल रही है और विदेशी कर्ज कितना था आपको पता है? 55 लाख करोड़। और सिर्फ 8 सालों में बीजेपी ने 85 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया है। भारत की संपत्ति बेच भी रहे हैं, विदेशी कर्ज भी बढ़ रहा है, ये पैसा कहाँ जाता है कोई पूछेगा मोदी जी से? अच्छा जब मोदी जी कहते हम शेर हैं, मोदी जी तो नहीं कहते, आप जैसे दलाल पत्रकार कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कहते हैं, मोदी जी कहते हैं हम शेर हैं, तुम तो कहते हैं बॉर्डर पे खड़े हो जाइए, शेर को देख के पाकिस्तानी सेना। अरे सुनो सुनो पहले, जब मोदी जी शेर हैं तो बॉर्डरों पे खड़े हो जाएं, तो भैया शेर को देख के जो पाकिस्तानी सेना भाग तो जाएगी, और जो कुछ बच भी जाते हैं अरे सुनो तो उनका भैया 56 इंच का सीना है, सलमान खान की तरह चैन खोले और दिखा दे जी, देखो 56 इंच का सीना है, अब उससे भी भाग जाएंगे। सलमान खान आ गया, खान प्रेमी है आप लेकिन भैया सुनो, महाराज बोलने दोगे? बोलने खान प्रेमी है लेकिन भैया मैं तो कह रहा हूँ कि मैं अब्दुल कलाम को पूजनीय मानता हूँ, अब्दुल कलाम को पूजनीय मानता हूँ मैं, शाहरुख खान को मैं पूजनीय क्यों मानूं? भाई मैं कलाम साहब को सलाम करता हूँ तो इसका मतलब मैं शाहरुख खान को सलाम करूंगा? शाहरुख खान ठीक है मैं ये मानता हूँ, आसाराम को मैं नहीं मानता भाई, ठीक नहीं है वो, गलत है। राम रहीम भी गलत है। अच्छा दद्दा साहब बलात्कार करे और उनको आप पूछोगे कैसे गलत? हम तो कहते सुनो पहले भैया सुनो, काशी काबा एक है राम रहीम, हमारी नजरों में भैया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हमारे लिए एक हैं, सब हमारे भाई हैं। और ये आप लोग नफरत ना फैलाओ, आप लोग ये नफरत मत फैलाओ कि हिंदू मुसलमान की राजनीति करके और अपने आका की दलाली करो। हम मानते हैं आप लोग अगर ऐसा नफरती बात नहीं करोगे तो भारतीय जनता पार्टी वाले ITCL वाले आप लोगों को अगली बार नहीं भेजेंगे, आप लोगों की जहाँ से फंडिंग आती है रुक जाएगी। हमें भैया मालूम है, हमको मालूम है मोदी जी आपकी हकीकत, लेकिन दिल बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है।